वरना देखिए ये 5-7 साल में ये हल कर दिया है, अगले बार 2024 में और रहा 5 साल तो समझिए कि आप लोग तन पर कपड़े भी ना रहेंगे। अभी तो खाने को तराई तराई पूरी देश की जनता कर रही है, अंग्रेजों से ज्यादा बदतर हालत बना दिया हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर इस तरह के झांसे मीनार। अगर आप आते चले गए तो याद रखो हमारे हिंदू भाइयों, मेरा ये पेशन को याद रखना कि उस दिन गुलाम हो जाओगे अंग्रेजों से ज्यादा बदतर गुलामी की तरफ तुम चले जाओगे। मैं सारे देश की जनता को कहना चाहूंगा कि हिंदू मुसलमान के चक्रों में ना आओ, पाकिस्तान इंडिया मंदिर मस्जिद के चक्रों में ना आओ, बल्कि आप ही अपनी मतलब के रोजगार के लिए जद्दोजहद करो। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल TD न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। आपका नाम क्या हुआ और कहां से आए? मेरा नाम राशिद इकबाल हुआ और मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी का बिहार स्टेट का सेक्रेटरी हूं और दिल्ली का ज्वाइंट सेक्रेटरी। केरल में हमारा कांग्रेस से गठबंधन है, UDF कहलाती है, वहां 20 MLA 4 MP और 5 मिनिस्ट्री होती है मुस्लिम लीग पार्टी में, वहां हम सरकार बनाते हैं और मैं से पटना में रहता हूं, पटना का बिहार का सेक्रेटरी। जैसे आज का आप लोगों का मुद्दा क्या था? हम लोगों का मुद्दा था महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर और मोदी जी की गलत नीति और पॉलिसी, जिससे देश की जनता जो है तराई तराई कर रही है, परेशान है हर तरीके से, इसलिए और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना कि मोदी जी बाज आ जाओ, अगर नहीं बाज आओगे तो वो दिन दूर नहीं कि अगली सरकार जो है आपकी बिल्कुल नहीं होगी और आप 0 पे आउट होंगे। और मैं सारे देश की जनता खासकर हमारे जो हिंदू भाई हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी BJP RSS जो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया आतंकवाद PFI और इस तरह के धर्म के नाम पर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट लेती है, ये आप सचमुच में आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। मैं तमाम हिंदू भाइयों से कहता हूँ आप लोग बहुत शरीफ लोग हैं, आप इनके चक्रों में झांसे में ना आइए, वरना देखिए ये 5-7 साल में ये हल कर दिया है, अगले बार 2024 में और रहा 5 साल तो समझिए कि आप लोग के तन पर कपड़े भी ना रहेंगे। अभी तो खाने को तराई तराई पूरी देश की जनता कर रही है। मैं सारे देश की जनता को कहना चाहूँगा कि हिंदू मुसलमान के चक्रों में ना आओ, पाकिस्तान इंडिया मंदिर मस्जिद के चक्रों में ना आओ, बल्कि आप ही अपनी मतलब के रोजगार के लिए जद्दोजहद करो और ये बेरोजगारी के लिए आप सामने आओ और देश की जनता को बता दो, सरकार को बता दो कि देखो जो भी रोजगार हमें देगा, जो देश के लिए हित में काम करेगा, हम उसी को वोट देंगे। ये मोदी वो गुलामी की तरफ पूरी जनता को ले जा रही, अंग्रेजों से ज्यादा बदतर हालत बना दिया हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर इस तरह के झांसे मीनार। अगर आप आते चले गए तो याद रखो हमारे हिंदू भाइयों, मेरा ये पेशन को याद रखना कि उस दिन गुलाम हो जाओगे अंग्रेजों से ज्यादा बदतर गुलामी की तरफ तुम चले जाओगे, याद रखना इस बात। इसलिए मैं चाहता हूँ कि देश की तरक्की चाहते हो तो देश में शांति व्यवस्था बनाकर भाईचारा बना करके उसको वोट दो, मोदी को बिल्कुल वोट दो। और वो RSS जो तिरंगा के नाम पे आज पूरे देश में ढोंग पीट रही है, ये RSS तिरंगा ये तो देश के सम्मान नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए, ढोंग इसलिए कि RSS का किताब मानमनु स्मृति पढ़िए, सुनिए RSS जिसको ये फॉलो करते हैं RSS गोलवालकर सरवर, इन्होंने लिखा कि देश का तिरंगा भगवा होना चाहिए। ये गोट से सावरकर की औलादे हैं ये मोदी और BJP वगैरह, हमने इसलिए ये जो ढोंग रच रहे 60 साल से तिरंगा नागपुर में क्यों नहीं लहराया था आप बताइए, ये ढोंग रच रहे RSS वालों ने तिरंगा जलाया, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि और सुनिए ये खुद चोर है और गा रहे हैं चोर चोर चोर, यानी शरीफ लोगों को दारोगा को चोर गा रहे हैं, कोतवाल को छोड़ कर ये खुद छोड़ है RSS। ये देश वही संगठन है जो अंग्रेजों को सारा खुफिया इन्फॉर्मेशन देती थी, RSS अंग्रेजों की दलाली करती थी और ये जो सावरकर इनको पेंशन मिलता था अंग्रेजों से, आप ये हमको देशभक्ति सिखाइए, ये खुद देश विरोधी है। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस सरकार से RJD सरकार से RJD का सरकार आती है अपने देश की जो जहाँ जहाँ सरकार है कि RSS एक आतंकवादी संगठन है, इसको बैन करो अगर देश बैन और अंग्रेजों की दलाल रही है। अगर BJP से लोग कपाए तो राज्यों में हिंदू मुसलमान के नाम पर ये धार्मिक सेंटिमेंट ऐसा होता है कि लोग पगला जाते हैं, धर्म के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, पाकिस्तान इंडिया के नाम पर ये बेवकूफ और गधे बना रहे हैं लोगों को। और हमारे अफसोस की बात है हमारे हिंदू भाई बहुत शरीफ लोग हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं, इतने ज्यादा शरीफ है कि इनके जो चाल है इनके चाल को समझ नहीं पाते और लोगों को खून चूस रहे हैं देश की जनता को। और सबसे ज्यादा बेरोजगार किसी को किया था हमारे हिंदू भाइयों को, अपनिया लोगों को किया।